एवरीवन स्वागत है आपका फुल स्कोर में तो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का रिजल्ट आउट हो चुका है ये जो एग्जाम था ये था आपका एसएससी जो आपका कांस्टेबल जीडी डी एन सी ए SSF and Assam 2021 नवर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से लेकर 15th 2021 डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक तो आपका यहाँ पर जो भी आपका आ, जो भी आपका आंसर की में मॉडिफिकेशन थी वो होने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही जो ये फाइनल आंसर की बनी उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या बना है ये रिजल्ट बना है तो हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या आपका कट ऑफ रही तो आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट कितने कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं आपका पेट के लिए या पीएसटी के लिए तो इन टोटल आपका टू लाख एटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड वन कैंडिडेट है जिसमें से आपकी फीमेल्स कितनी रही थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेवन और आपका मेल कितने रहे टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर तो आपका यहाँ पर आपका ये जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसके साथ आपका जो लास्ट शॉर्ट कैंडिडेट है तो पहले देख लेते हैं आपका, है, आपका, है? आपका, तो आपका जो एस एस एफ के लिए है उसमें क्या रहा आपका तो आपका ई एस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है सिक्सटी कैंडिडेट्स है और मार्क्स क्या रहे है? आपके सिक्सटी सेवन सिक्स वन थ्री नाइन पार्ट ए में कितने रहे ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव पार्ट बी में कितने रहे 10.50 और जो आपका लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है shortlisted candidate है उसकी date of birth क्या रही सितंबर और वैसे ही आपका ऐसी, ऐसी में देखते हैं तो आपका टोटल अवेलेबल है, candidates available है 105, और आपका मार्क्स क्या रहे सिक्सटी फोर पॉइंट और आपका पार्ट ए में कितने रहे ट्वेंटी और पार्ट बी में कितने रहे सेवन और जो लास्ट आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 5th ऑगस्ट 2000 और आपका एस में क्या रहा 45 कैंडिडेट्स रहे और 61.72612 आपका मार्क्स रहे और आप पार्ट ए में क्या रखा है आपका 22.50 और पार्ट बी में कितना रहा आपका 5.25 और आपका जो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसका आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है इलेवेंथ जुलाई 2000 नेक्स्ट देख लेते हैं ओबीसी में क्या रहा आपका ओबीसी में टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं 165 हैं जिसमें से मार्क्स आपका क्या रहा आपका 70.30982 पार्ट ए में कितना रहा आपका 21.50 और पार्ट बी में कितना रहा आपका एट और जो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो क्या रहा आपका ट्वेल्थ जून टू और आपका यू जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें थ्री है थ्री इन में से भी आपका 52 ईडब्ल्यूएस है 11 एससी है एससी है पांच आपके एसटी हैं और 133 आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जो आप यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई हुए हैं तो आपके मार्क्स क्या रहा है 72.345 और आपका पार्ट ए में रहा है 21.75 और पार्ट बी में रहा है 8.75 और लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपका रहा 11th Uh, जो डेट ऑफ बर्थ है वो है इलेवंथ अक्टूबर 1999 तो आपको फटाफट से देख लेते हैं जो आपका अदर देन एस है उनमें क्या रहा आपका फीमेल का तो जो ईडब्ल्यू के कैंडिडेट है वो कितने रहे आपके वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी और एससी के एस टी केंड्रेड थर्टी टू और ओबीसी का क्या रहा आपका सेवन थर्टी नाइन और यू आर का कितना रहा थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी उसमें से भी आपका क्या इतने कितने ईडब्ल्यू एस रहे आपके फाइव थाउजेंड फिफ्टी सेवन ईडबू एस कैटेगरी में आ गए और आपका जो वन थाउजेंड सेवेंटी सेवन थे वो एस सी स्टूडेंट थे और जो आपका एट हंड्रेड नाइनटी थ्री है वो एस टी थे और आपका सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन ओबीसी थे जो आपके यू आर स्टैंडर्ड पे पास हुए तो इन टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं इसमें थर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स आपका मेल लिस्ट देख लेते हैं फटाफट से मेल में आपका जो एस एस एफ में क्या रहा आपका एस एस एफ में आपका ईडब्ल्यू एस में टू हंड्रेड एट्टी फाइव कैंडिडेट रहे जिसमें से आपका जो मार्क्स गए वो कितने गए सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव फाइव नाइन पार्ट ए में आपका 19.50 रहा पार्ट बी में आपका 13.75 रहा और जो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट था उसका डेट ऑफ बर्थ रहा टेंथ नवंबर 99 आपका एस में आ जाते हैं कैंडिडेट कितने फोर ट्वेंटी रहे आपका मार्क्स कितना रहा सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सेवन नाइन एट थ्री और आपका पार्ट ए में रहे एटीन पॉइंट टू फाइव और आपका पार्ट बी में रहे एट पॉइंट टू फाइव तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहा ही क्या रहा थर्ड ऑगस्ट नाइनटी सेवन में देख लेते हैं टू है आपका मार्क्स कितने रहे सेवनटी पार्ट ए में रहे आपके पॉइंट पार्ट बी में रहे आपके फोर्टीन और जो लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ 28 17th अक्टूबर 97 ईएसएम जो है आपका उसमें रहे 360 और आपका जो मार्क्स है वो 39.78192 और पार्ट ए में आपका 19.75 फाइव और पार्ट बी में आपका 4.75 तो ये आपका जो लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ राइट 27th अक्टूबर 77 ओबीसी में 735 रहे आपके मार्क्स यहाँ पर आपके 78.67987 रहे और आपका पार्ट ए में 23.75 रहे पार्ट बी में 5.5 हो रहे और जो लास्ट आपका डेट रहा डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी जो आपके यू आर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करा जिन्होंने सेवेंटी पॉइंट सिक्स वन फोर फोर सेवन आपका मार्क्स रहे में ट्वेंटी थ्री रहे और पार्ट बी में टेन पॉइंट सेवन फाइव रहे और जो लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो ट्वेंटी अक्टूबर अब देख लेते हैं अदर देन एसएसएफ क्या रहा आपका अदर देन एसएसएफ आपका ईडब्ल्यूएस में रहे सिक्सटीन में थर्टी नाइन थाउजेंड एट और ओबीसी में फिफ्टी यूआर में आपके कितने रहे वन लैख वन नाइन और यहाँ पर आपका इसमें से भी आपका सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एसटी ई डब्ल्यू एस थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटीन एस सी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन एस टी फिफ्टी फाइव स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही क्वालिफाई है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फोर आपका रहा यहाँ पर अब बाकी देख लेते हैं हम आपका जो भी आपका हमारा कॉल लेटर रहेगा शॉर्ट जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं पेट के लिए या पीएसटी के लिए बाय सी ए पी एफ ये आपका नोडल सी ए पी एफ के जो अब उन्हीं के थ्रू होगा और आप आप कहां से कर सकते हैं ये आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो यहाँ पर दी हुई है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं और बाकी जो आपकी फाइनल आंसर की है क्वेश्चन पेपर के साथ वो आपको कब तक मिल जाएगी वेबसाइट पे आपका ट्वेंटी मार्च से आपका ट्वेंटी अप्रैल तक वो आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको और जो आपका क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट वो भी आपको आपको थर्टी मार्च से लेकर थर्टीथ अप्रैल तक के बीच में मिल जाएगी तो आप अपना कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना जो भी रिजल्ट है मार्क्स है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर चेक कर सकते हैं नीचे आपको कट ऑफ दी हुई है आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से चेक कर सकते हैं तो आपका स्टेट वाइज यहाँ पर पूरी जो कट ऑफ है वो दी गई है उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच